हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। आज हम लोग निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। एंड पहले स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। पे हम देखें तो ये कैंडल रिजेक्ट हो गया है, पहला कैंडल, और यहाँ पे मैंने 5 मिनट का कैंडल सेट करके रखा है। उसके बाद देखें तो सेकेंड कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल रहा, एंड यहाँ पे हमको एक बॉटम बाई का इंडिकेटर मिल गया था। पे बाइंग इंडिकेटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कल का हम देखें तो कैंडल 35,900 के आसपास क्लोज हुआ है, एंड आज का जो है वो यहाँ से क्रॉस करके नीचे नहीं आ पाई। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखा और एक बाइंग का प्लान कर लिया। एंड उसके बाद देखें तो यहाँ से अराउंड 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया इस तरफ, एंड यहाँ पे 36,100 के पास थोड़ा सा मूवमेंट मिला, बट अगेन यहाँ से एक रेड कैंडल दिया जो कि नीचे की तरफ आने लगी, अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाई और फिर से एक रिवर्स ले लिया। फिर हम देखें तो 36,100 के बाद फिर से हमको एक ब्रेकआउट मिला और हमने फिर से बाइंग का प्लान किया, और यहाँ से अराउंड 200 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पर देखें तो बैंक निफ्टी 36,300 का लेवल ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई और 300 के नीचे आ गई, और अराउंड 1 आवर मार्केट सस्टेन किया। उसके बाद फिर से 300 क्रॉस करने को यहाँ पे मार्केट ट्राई किया, बट ये कैंडल फेल हो गई। उसके बाद हमको फिर से एक इंडिकेटर मिला नीचे की तरफ आने का, जो कि यहाँ पे हम लोग फिर से एक सेलिंग का प्लान कर सकते थे, जो कि अराउंड 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया नीचे की तरफ। एंड यहाँ पे देखें अगर तो बैंक निफ्टी का एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है 36,000, जो लेवल क्रॉस नहीं हो पाई। एंड यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान कर सकते थे जहाँ से हमको 100 to 150 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। एंड यहीं पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी एक अच्छा लेवल क्रिएट करके रखी है, जो 36,000 जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं कर पाई और अगेन एक पुल बैक ले लिया, एंड वहाँ से अराउंड 100 पॉइंट का फिर से अपसाइड मोमेंट दे दिया। एंड यहाँ से मार्केट फिर से पुल बैक ले लिया, एंड यहाँ पे यार जो कि एक्सपायरी था तो वॉलीटिलिटी भी बहुत हो गई थी और प्रीमियम डीके भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो मार्केट बहुत अच्छा था एंड वॉलीटिलिटी भी थी। इसके यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट 36,200 के करीब बंद हुआ है, तो अगर कल फ्लैट ओपन देती है तो हम लोग देखेंगे कि ये क्रॉस कर 36,300 क्रॉस करती है तो हमको फिर से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड हम लोग एक पोजिशनिंग का भी प्लान कर सकते हैं अगर 36,300 क्रॉस करती है तो। एंड अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन दे देती है तो हम लोग थोड़ा होल्ड करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट किस तरह ब्रेकआउट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान होना चाहिए। और अगर गैप डाउन देती है तो हम लोग वेट करेंगे, अगर 36,000 के नीचे आ जाती है तो हमको एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 कैसे मूवमेंट दिया और हमारा आज का कैसे ट्रेड प्लान हो सकता था। जैसे कि हम देखें तो फर्स्ट कैंडल निफ्टी 50 ने एक नेगेटिव बनाया जो कि रिजेक्ट हो गया, एंड उसके बाद यहाँ से निफ्टी 50 अगेन एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया जहाँ से हमको एक बाइंग इंडिकेटर मिल गया। यहाँ पे बाइंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कल का कैंडल हम देखें तो कल का क्लोजिंग था 16,500 के नीचे, एंड वही हम आज देखें तो आज का जो फर्स्ट कैंडल था वो इसके नीचे आई, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई और ना ही क्लोजिंग दी। तो हमको फर्स्ट थिंग ये देखना चाहिए कि अगर पहला कैंडल बना रहा है तो उसका क्लोजिंग कहाँ पे जाता है। उसका क्लोजिंग जो कि कल के कैंडल के ऊपर हुआ, एंड आज का फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट हो गया, इसलिए हमने सेकेंड कैंडल में देखा। जैसे ही हमको पॉजिटिव कैंडल मिला तो हमको एक बाय तो हम एक बाइंग का प्लान कर सकते थे, एंड हमको एक यहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसके बाद देखें तो यहाँ से अराउंड 50 to 60 पॉइंट का अच्छा अपसाइड मोमेंट मिला जहाँ पे हमको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, एंड यहाँ पे अगेन 16,550 के ऊपर ही सस्टेन करके कुछ देर रखा। एंड यहाँ पे अगर देखें तो 16,550 के ऊपर कुछ देर मार्केट सस्टेन किया, एंड बहुत ही वॉलीटिलिटी क्रिएट हो गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए अगर ऐसा जगह रहा तो। यहाँ पे वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, एंड अराउंड 1 o'clock देखें तो मार्केट फिर से नीचे की ओर आने लगी, एंड यहाँ से फिर से मार्केट अराउंड 100 पॉइंट नीचे आ गया। एंड देखें तो यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी 50 16,500 का एक अच्छा स्ट्रांग लेवल क्रिएट किया है, वो क्रॉस नहीं कर पाई है ना, एक अच्छा पुल बैक ले लिया, तो हमको यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ जाने का इंडिकेटर मिला और यहाँ से निफ्टी 50 पुल बैक ले लिया एंड अराउंड 100 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट दिया। जब निफ्टी 50 16,600 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है तो चलिए देखते हैं कल का हमारा क्या प्लान हो सकता है और हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आज निफ्टी 50 16,600 के ऊपर क्लोज हुई है तो हम लोग कल देखते हैं अगर फ्लैट ओपन होती है और 16,600 के क्रॉस करके 650 तक जाती है तो हम लोग को एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 16,650 क्रॉस करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हम एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन देती है तो हम लोग देखेंगे कि अगर 16,500
क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है तो हम लोग एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 16,500 का ले अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल, अगर वो टूटती है तो हमको एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन आ सके।